हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्जेक्ट बीए बीकॉम सेमेस्टर 5 चैप्टर नंबर 4 कैपिटल स्ट्रक्चर का हम एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे। इसके पहले का यदि आप वीडियो नहीं देखे तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू होम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी refers to the makeup of its capitalization. Example, the type of securities to be issued and the relative proportion of each type of security in the total capitalization. Correct answer option number A, Gerstenberg. Second, the term capital structure refers to the relationship between करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इक्विटी शेयर एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी द फाइनेंसिंग डिसीजन अफेक्ट्स द टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 6, द एनआई अप्रोच अज्यूम्ड इन विच फॉलोइंग इज ट्रू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट इनकम अप्रोच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हायर डेबिट इज बेटर। 8, इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डैश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंस्टेंट। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेट इनकम अप्रोच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वी एफ इज इक्वल टू वी ई प्लस वी डी। 10, एन आई एंड एन ओ आई अप्रोच हैज बीन सजेस्ट बाय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेविड डुरन। इलेवन, इन एन ओ आई अप्रोच विच वन ऑफ द लोइंग इज कंस्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 12, द ट्रेडिशनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंटरमीडिएट अप्रोच। 13, the judicious use of leverage is suggested by which following approach? Correct answer option number C traditional approach. 14, in the traditional approach which one of the following remains constant? Correct answer option number D none of. 15, in double M model reveals relevance of capital structure is based on which following? Correct answer option number C arbitrage process. 16, if taxes are ignored the double M model is indifferential to whom? Right answer option number A NI approach. 17, if taxes are assumed to exist the MM model is identical to which of the following? Correct answer option number B NOI approach. 18, that personal leverage can replace corporate leverage is assumed by which of the following sentence? Right answer option number B double M model. 19, which of the following is incorrect for value of the firm? Right answer option number D total value does not change because underlying does not change with financial mix. 20, according to double M approach total value of the firm is.
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक। 21 कैपिटल गियरिंग रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड व्हाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग टर्म डेब्ट। 22 इन केस ऑफ डिप्रेशन इट इज़ बेटर फॉर अ कंपनी टू रिमेन इन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लो गियर। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म इज हायर देन दैट ऑफ द अनलिवर्ड फर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। 24 विच वन फॉलोइंग वॉज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडियन कैपिटल स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रिटेनिंग कंट्रोल। 25 अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच फैक्टर इज करेक्ट इन द फॉलो इंक्वायरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेचर ऑफ बिजनेस। 26 इन द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ कंसिडर्ड इन कैपिटल गियरिंग आर करेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिमम इक्विटी कैपिटल। लास्ट 27 इन द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ कंसिडर्ड इन कैपिटल गियरिंग आर करेक्ट। राइट आंसर ऑल ऑफ वेज।